हर हर महादेव दोस्तों स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों में और स्वागत है आपका आपके और मेरे YouTube चैनल में मैं हूं नीरज दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी चल रही है विंटर यात्रा मैं आपको लेके गया हूं बहुत ही खूबसूरत विंटर की अलग अलग यात्राओं में इसी श्रेणी में आज मैं पहुँचा हुआ हूँ हिमालय के एक बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही खूबसूरत वादियों में बहुत ही खूबसूरत महादेव की धरती में आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ हैं तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही रहस्यमय झील पर जिसे नरकंकालू की झील कहा जाता है तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में प्यार देते रहिए सपोर्ट कीजिए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट में अगर आप आना चाहते हैं मेरे साथ तो कमेंट कीजिए कमेंट में आप बताइए आप कहाँ कहाँ मेरे साथ जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ है और मैं हूँ निकला हुआ नरकंकालों की झील की यात्रा पर जहाँ पर हजारों साल पहले से नरकंकाल पड़े हुए हैं तो वो झील मैं आपको दिखाऊंगा क्यों वो इतनी रहस्यमय है क्या उसकी कहानी है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को अगर आप आना चाहते हैं तो मैंने नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर नंबर चल रहा है तो सपोर्ट कीजिए आप मेरी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं जितना भी हो सके क्योंकि इतनी कठिन यात्राएं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना संभव नहीं है तो सपोर्ट कीजिए प्यार दीजिए साथ दीजिए ताकि मैं ऐसी अद्भुत यात्राएं आपको कराता रहूं हिमालय की इन खूबसूरत वादियों के और महादेव के इस खूबसूरत धरती के दर्शन में आपको कराता रहूँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा एक एवलांच आया हुआ है ये पूरी बर्फ़ ऊपर से लुढ़क के यहाँ पर आई हुई है तो ऐसे रास्तों में जो चलना होता है वो बहुत कठिन होता है क्योंकि एक तो बर्फ़ बहुत हार्ड हो चुकी होती है और दूसरा ये आप देख सकते हैं ऐसे फिसलते हैं यहाँ पर और दूसरा ये पता नहीं लगता है कि कहाँ पर पत्थर के नीचे खोखला है और कहां पर हार्ड? वो सामने है घोड़ा लौटानी लगभग यहाँ से 500 मीटर और बचा हुआ है और घोड़ा लौटानी के बाद आता है पाथर नाचनी जो लगभग ढाई किलोमीटर उससे आगे है और ये देखिए दोस्तों इस वाले रास्ते से मैं आया हूँ यहाँ से पूरा होते हुए और वो नीचे वहाँ रह गया बेतनी बुग्याल तो बेतनी बुग्याल से यहाँ से मैंने चढ़ाई शुरू करी थी यहाँ आया और यहाँ से ऐसे यह होते हुए इधर मैं पहुँचा हुआ हूँ अभी और अब हाँ यहाँ से पहले घोड़ा लौटाने जाएंगे और घोड़ा लौटाने के ढाई किलोमीटर आ गया पाथर नाशनी से चार किलोमीटर ऊपर है भागुआसा तो इतनी लंबी जर्नी अभी और बची हुई है बहुत ही खूबसूरत यह दृश्य है महादेव की ये भूमि है आप देख सकते हो चारों तरफ बुग्याल बुग्याल भरे हुए हैं ये खूबसूरत से पहाड़ सिर्फ और सिर्फ महादेव की नगरी हो सकती है इतना सुकून इतनी साफ सफाई इतना आनंद यहाँ पर रहना दोस्तों आप सिर्फ महसूस कर सकते हो शब्दों में बयां करने के लिए शब्द ही नहीं रहते इसके लिए चलो लगभग चार किलोमीटर आगे हम आ चुके हैं बर्फ़ की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर एक एक कदम बढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि बर्फ़ जो है वो बहुत हार्ड हो चुकी है फिर भी हम हार नहीं मानेंगे महादेव के आशीर्वाद में हम आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों को घर बैठे इस पवित्र धाम के दर्शन कराएंगे दोस्तों जो कठिन यात्राएं हैं उनमें आता है श्रीखंड कैलाश रुद्रनाथ मणिमहेश कैलाश वंद महेश्वर किन्नौर कैलाश और रूपकुंड जूनार गली की यात्रा जिस यात्रा में अभी मैं आपको ले कर चल रहा हूँ ये यात्रा भी दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है दोस्तों लगभग पाँच किलोमीटर चल चुके हैं बर्फ़ में जितना आनंद आता है उतना ही रिस्की भी होता है आप देख सकते हो हम कहाँ से आए हैं पैरों के निशान आप देख सकते हो और नीचे भी आप देख सकते हो पूरा नीचे खाई है पतली सी पगडंडी बनाई पैरों के निशानों की और उससे चलते हुए आए अगर फिसल गए तो सीधा 500 सौ मीटर नीचे खाई में तो इतने आसान नहीं है दोस्तों हिमालय में इतनी कठिन यात्राएं करना मैं आप लोगों को घर बैठे ऐसी यात्रा दिखाते रहना चाहता हूं बस आप सपोर्ट कीजिए मेरी इस मेहनत में थोड़ा सा साथ दीजिए ताकि मैं ऐसी अद्भुत यात्राएँ आपको दिखाता रहूं हम पहुंच चुके हैं घोड़ा लौटानी हमारी पाँच किलोमीटर की जो यात्रा थी वो हो, हो चुकी है अब यहाँ से लगभग पाँच से सात किलोमीटर और आगे जाना है तो ये आप देखिए घोड़ा लौटानी का खूबसूरत दृश्य यहाँ से आपको दोस्तों हम आए इस वाली वैली से थे और हम पहुंच चुके हैं घोड़ा लौटानी तो घोड़ा लौटानी पहुंचते ही यहाँ से जो दूसरी वैली है वो दिखनी शुरू हो जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ से दूसरी वैली का बहुत ही खूबसूरत दृश्य ये जो वैली आपको नज़र आ रही है ये है पिंडर वैली और वो पहाड़ के सामने है कैलोवा विनायक गणेश जी का मंदिर जय गर्णवती भगवान और यह है घोड़ा लौटानी यानी कि इसका नाम इसलिए घोड़ा लौटानी कि यहाँ से दूसरी साइड घोड़े चलाने के लिए छोड़ दिया थे तो इसलिए इसका नाम घोड़ा लौटानी है आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा हम यहाँ पर थक चुके हैं ये पिंडर वैली यहाँ से शुरू होती है दूसरी साइड तो वहाँ का खूबसूरत दृश्य आप देखिए मैं हूँ अभी घोड़ा लौटानी में जो बेदनी बुग्याल से लगभग पाँच किलोमीटर आगे है अभी मैं आपसे को यहाँ से यहाँ का जो खूबसूरत दृश्य है वो मैं आपको दिखाता हूँ मौसम थोड़ा ख़राब होने की वजह से दिक्कत हो रही है यात्रा करने में वो सामने आप देख सकते हो यह है बेदनी बुग्याल और इसके पीछे साइड है आली बुग्याल हम लोग यहाँ से आए और ये सामने आप देख सकते हो यह है। पिंडर घाटी पिंडर वैली जो पड़ती है इसमें नंदा देवी और ये सारे माउंटेन हैं उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ आगे पड़ता है पाथर नाशनी और उसके बाद वो जो पहाड़ी का टॉप दिख रहा है वहाँ पर है कैलवा देवता का मंदिर कैलवा विनायक काले गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और उससे डेढ़ किलोमीटर आगे पड़ता है भगवासा और वहाँ से तीन किलोमीटर आगे पड़ता है रूपकुंड तो दोस्तों ये है यहाँ की खूबसूरती मैं लेके जाने वाला हूँ आपको रूप को नर कंकालों की झील पे अभी हमारा सफ़र दो दिन का और बचा हुआ है यहाँ से आज हम जाएंगे पाथर और फिर उसके बाद कल हम आगे की यात्रा कर निकलेंगे मौसम ख़राब है तो देखते हैं क्या रहता है आज शाम कितनी बारिश या बर्फ़ गिरती है यहाँ पर तो उसी हिसाब से आगे का जो हमारा रहेगा शेड्यूल अगर बारिश हुई आज रात तो कल मौसम खुल सकता है अगर बारिश हो जाती तो अच्छा था कल मौसम खुलता और उसके बाद जो आगे का दृश्य होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता अब यहाँ से लगभग दो किलो ढाई किलोमीटर और आगे जाना है जो ये बुग्याल है हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत है पाथर नाशनी का जो बुग्याल है वो भी बहुत खूबसूरत है सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा बस पूरी वीडियो आप देखते जाइए और लाइक करते जाइए शेयर करते जाइए हम जा रहे हैं पाथनासनी वाले रास्ते में और यहाँ से लगभग दो किलोमीटर आगे पाथनासनी है वहाँ से चार किलोमीटर ऊपर सीधी खड़ी चढ़ाई करके वो सामने वाली पहाड़ी पे कैलवा विनायक है और वहीं से रूफ फिर दिखना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड है दोस्तों एल्टीट्यूड होता है जो हाइट गेन हम लोग करते हैं उसे एल्टीट्यूड कहते हैं मतलब कि अभी हम ग्यारह हज़ार फिट पर है और सीधा चौदह हज़ार फिट पे जाना है और फिर सीधा सोलह हज़ार साढ़े सोलह हज़ार फिट पे जाना है जो रूपकुंड है वो साढ़े सोलह हज़ार फिट पे है तो अभी हमें लगभग लगभग पाँच हज़ार फिट हाइट गेन करनी है और किलोमीटर में ये अभी टोटल है आपका बारह किलोमीटर के आसपास में तो इसलिए ये जो यात्रा है ये कठिन हो जाती है ये पाथर का बुग्याल है आप देख सकते हो पूरा का पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है और हम पाथर का जो पास है धार है सामने वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं उसके बाद देखते हैं आगे का कैसे रहता है मौसम को देखते हुए क्योंकि उसके बाद हमको ये वाली जो पहाड़ी है वो पूरी की पूरी पहाड़ी हमको चढ़नी है और ऊपर है कैला विनायक मंदिर और उसके बाद आगे आता है रूपकुंड और मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब तो देखते हैं यहीं पर रुकते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं अगर यहीं पर रुके तो कल सुबह फिर जल्दी निकलेंगे ताकि हमारा ये वाला जो पार्ट है ये जो पहाड़ी है ये कवर हो पाए दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं पाथर नाशनी बेतनी बुख्याल से शुरू किया था हमने लगभग सात किलोमीटर आगे बर्फ़ की खड़ी चढ़ाई पार करके हम लोग पहुंचे हैं पाथर नाशनी आप देख सकते हो ये पाथर का बहुत ही खूबसूरत दृश्य बर्फ़ से लदे हुए खूबसूरत पहाड़ और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ यहाँ पर आपको नज़र आएगी और ऊंची-ऊंची बर्फ़ की चोटियाँ हैं सामने कैलू देवता का मंदिर है और मैं आपको लेके चलूंगा चलूँगा कल यहाँ से रूपकुंड के लिए तो बने रहिएगा पूरी वीडियो देखिए जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप जितनी ज़्यादा मेरी सहायता कर सकते हैं चाहे वो किसी भी रूप में हो आप मेरी सहायता कीजिए ताकि ऐसे ही अद्भुत यात्राएं मैं आपके लिए ले आता रहूँ क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना ऐसी कठिन यात्राएँ आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी परिस्थितियाँ कितनी कठिन हैं पूरे बर्फ़ से लदे पहाड़ इन पर चलना अगर फिसल गए तो सीधे नीचे खाई में बहुत ही कठिन ये रास्ते होते हैं ऐसी कठिन रास्तों में कठिन यात्रा है मैं आपको कराता हूँ तो अपना प्यार भी मुझे बनाए रखिए तो लेके कर चलूँगा मैं आपको कल रूपकुण्ड नरकंकालों की झील पे जो बहुत ही रहस्यमय एक झील है पूरी वीडियो देखेगा आप लोगों को बहुत आनंद आएगा तब तक के लिए हर हर महादेव जय शंभू